झांसी रानी चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवाब मलिक के विरोध में आंदोलन किया। इस आंदोलन में बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता और स्थानीय भाजपा नेता उपस्थित थे। ईडी द्वारा मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार करने के बाद अब भाजपा उनके इस्तीफे की मांग को लेकर आक्रामक होती नजर आ रही है। राज्य में कई शहरों में भाजपा द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, साथ ही मलिक के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। नवाब मलिक पर आरोप है कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंधित जमीन डील से जुड़े रहे हैं। ईडी अंडरवर्ल्ड से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। इसी कड़ी में नागपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने आंदोलन कर नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग की है। नवाब मलिक ने जे कृत्य केलेला आहे यासारखा घृणास्पद कृत्य या देशात कोणत्याही राजकारणीने केलेला नाही आत पावतो। देशाची देशद्रोह करणारे, आतंकवाद मचवणारे, मुंबई बॉम्ब विस्फोटमध्ये लिप्त असणारी जे काही मंडळी आहे त्यांच्यासोबत वैयक्तिक संबंध आर्थिक स्थापित करून त्यांना बोगस डॉक्युमेंट्स बनवून अनावश्यक डॉक्युमेंट्स तयार करून लोकांची फसवणूक करून जमिनी अधिग्रहित करायची, त्यानंतर ती जमिनी विक्री करायची आणि त्याच्यातना मिळणारा पैसा हा दाऊदच्या हाताने पोचवायचा आणि दाऊदच्या हाताने जे आतंकवादी कृत्य करणारी मंडळी आहे त्यांच्यापर्यंत ती मदत पोहोचवण्यासाठी आणि मुंबई बॉम्ब विस्फोटमध्ये ज्यांचे हात होते त्यांना सोबत घेऊन त्यांच्यासोबत आर्थिक व्यवहार कायम करायचा, हे सर्व ईडीच्या तपासमध्ये उघडकीस आलेलं आहे। आणि जर असा कोणी कृत्य करत असेल तर त्यांनी ताबडतोब आपला पदापासून इस्तीफा दिला पाहिजे, ही भारतीय जनता पक्षाची मागणी आहे, म्हणून आम्ही हे केलेलं आहे। मी मुद्दाम सांगू इच्छितो, एक कवी आहे धीरेंद्र शुक्ल, त्यांनी एक कविता जी चार ओळी सांगितली आहे की सत्ता के विधाता जंत्री तंत्री हो गए और अच्छे अच्छे गुंडे सारे मंत्री हो गए, शिवाजी तेरे सिद्धांतों को जेल हो गई और राजनीति वैश्याओं का खेल हो गई, तसंच चित्र हा महाराष्ट्रात उद्धवच्या सरकारमध्ये दिसत आहे, म्हणून हे इस्तीफा देणं नितांत आवश्यक आहे। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।